हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर में, देर हो गई गाइस। हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। मैं आ चुका हूँ अभी टर्मिनल 3 में और थोड़ा फ्लाइट का टाइम हो रहा है। मैं अंदर जाके आपको पूरी सिचुएशन बताता हूँ कि मैं ब्लॉग अगले 10 दिनों के लिए क्या बनाने वाला हूँ। हम लोग बेसिकली वेकेशन में जा रहे हैं, तो अंदर मिलते हैं जहाँ लाइटिंग प्रॉपर हो। हे गाइस, फाइनली सब कुछ चेक इन करने के बाद, सब सारे सिक्योरिटी चेक्स के बाद हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। विधि और मैं जा रहे हैं थाईलैंड, और थाईलैंड में हम लोग 10 दिन स्टे करेंगे। बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, तो लेट होने के कारण मैं ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पाया रास्ते की, और ना ही आप लोगों को बता पाया नीचे कैब आ गई थी, बहुत सारे इशूज़ कर लेते। और मैं व्लॉगिंग भी बहुत टाइम बाद कर रहा हूँ, सो मैं ट्राई करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को अपडेट रखूँ कि हम कहाँ कहाँ गए, क्या क्या मज़े करे हमने। और रील्स तो मैं बनाऊँगा इंस्टाग्राम की, और साथ में मैं सिनेमेटिक शॉट्स लेना चाहूँगा। फाइनली हम लोग फुकेट एयरपोर्ट आ गए हैं। मैं एयरपोर्ट के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पे हमें लेने, मैंने मेक माई ट्रिप से बुकिंग करी थी, तो मेक माई ट्रिप वाले आ चुके हैं। और गाइस, यहाँ का इमिग्रेशन इतना फास्ट है फुकेट का, सही में बहुत ही मज़ा आया। 5-10 मिनट ही लगे मुझे अपना इमिग्रेशन कराने में। इंडिया में कहाँ हमें 1.5-2 घंटे लग गए थे, बट फुकेट में बहुत मज़ा आया। इवन लास्ट टाइम जब मैं श्रीलंका भी गया था, वहाँ भी मुझे टाइम लगा था, बट यहाँ पे बिल्कुल टाइम नहीं लगा। 5-10 मिनट में इन्होंने पूरा इमिग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करके हम लोग नीचे भी आ गए, बहुत ही अच्छा गाइज। और बैगेज भी मुझे टाइम से मिला, अमेजिंग सर्विस। Yeah, we'll drink any by the ocean. It's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end. Yeah, no, our days will never. तो गाइस, अभी हम लोग बैठ चुके हैं अपनी कैब में और हम लोग जा रहे हैं होटल, और बहुत ज़्यादा थक गए हैं कि रात भर से उठे हुए हैं। मैं आपको अपडेट करता हूँ कितना हम अभी कहाँ जाएंगे। मोस्टली हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा सा आज का पूरा दिन, और फिर कल से हमारा शुरू होगा जो हमें बुकिंग करेंगे। बीच रेडी, और हम लोग जा रहे हैं अपने होटल से काटा बीच, जो कि यहाँ से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पे है। तो वॉक करके जा रहे हैं, और साथ में चल रही है थाई ड्रिंक, और दीदी जी भी रेडी हो गई हैं। पैदल पैदल चल रहे हैं और बीच में एंजॉय करेंगे। आप लोगों को दिखाऊंगा कैसा है यहाँ का बीच, कितना साफ है, और सुना तो बहुत अच्छा है इसके बारे में। आगे देखते हैं, कुछ बीच के शॉट्स दिखाऊंगा स्लोमो में, सिनेमैटिक शॉट्स ब्लॉग में बने रहना। तो गाइस, ये काटा बीच जाते हुए रास्ता है, यहाँ पे बहुत सारे वेज रेस्टोरेंट्स भी हैं। बेसिकली फुकेट में वेज रेस्टोरेंट्स बहुत हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे कि लोग मुझे बता रहे थे कि जो है यहाँ पे वेज रेस्टोरेंट्स कम है, बट मुझे यहाँ पे बहुत प्लांट बेस्ड रेस्टोरेंट सब दिख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग वेगन टर्न हो गए, तो मुझे तो दिखे। बाकी अभी देखते हैं आगे, क्या पता बैंकॉक और क्राबी में ना मिले। तो ये रास्ते में बीच से जाते हुए रास्ता है, यहाँ चारों तरफ होटल और रेस्टोरेंट ही है।
गाइस अभी हम लोग काटा बीच में, और काटा बीच में बहुत ही सुंदर बीच है। यहाँ पे पानी का, अभी मैं कैमरे में पता नहीं आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, और पानी का शेड यहाँ पे जो फ्रंट में है वो लाइट है, और पीछे पीछे ऐसे आप जाएंगे तो डार्क शेड हो जाता है। इतना प्यारा लग रहा है, और आप देख सकते हैं बारिश भी थोड़ी थोड़ी हो रही है हल्की हल्की, और बीच बहुत ज़्यादा साफ है, और यहाँ पे बहुत कम लोग हैं। ऐसा नहीं है कि भीड़ की भीड़ जैसे अपने गोवा वगैरह में लोग लगा के रखते हैं। गोवा के ही बीच अच्छे हैं नो डाउट, बट इतना क्राउड हो गया आजकल कि मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे गंदगी हो जाती है, और बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। मतलब क्राउड ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली गंदगी तो होगी, बट यहाँ पे एकदम बढ़िया है, मतलब कम भीड़, और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, और मैं काफ़ी इन्जॉय कर रहा हूँ यहाँ पे। बाकी मैं अभी हम लोग बीच से आगे, बीच में बहुत मज़ा आया, और हम लोग तो लिटरली मतलब इतना ट्रस्ट लेवल में आपको बताता हूँ कि बंदे फिशरमैन जो हैं, जो शैक्स जिन्होंने लगा रखी है, वो लोग इतने मतलब सिंपल लोग थे कि उन्होंने हमें बोला कि कोई बात नहीं, अपना सामान रखो। हमने काफ़ी देर तक, आधे पौन घंटे तक उनका थोड़ा सा उनको देखा, क्योंकि इंडिया में तो ऐसा नहीं होता है, कोई भी अगर जाता है तो मतलब भरोसा नहीं कर सकते, अच्छे लोग भी होते हैं पे। उन्होंने हमें बोला कि आप रख के आराम से इन्जॉय करो, और हमने फ़ोन वगैरह सब बैग में डाल के शैक्स पे रख दिया। उसके बाद वो बंदा ही वहाँ से हमें दिखा ही नहीं, और बैग उसने बिल्कुल चेयर पे आगे आगे रख के, मतलब कि हमें विजिबल हो इस हिसाब से उसने बैग रख दिए। और मतलब इतना अच्छा लगा मुझे कि यार मतलब क्या उनका जेस्चर था कि हाँ ये हमारे गेस्ट हैं। काफ़ी अच्छा लगा, हमने इन्जॉय करा, नहाए पूरा बीच में, पूरे अभी बहुत ही सॉल्टी वाटर था यहाँ का, पूरे अभी भीग चुके हैं और पूरा सॉल्टी सॉल्टी हो रखा है। तो अभी जाएंगे पूल में, होटल में जा रहे हैं पूल में, थोड़ी देर पूल में नहा के उसके बाद रेडी होके तुरंत यहाँ आएंगे और स्ट्रीट शॉपिंग करेंगे। बहुत मज़ा आ रहा है गाइस, बहुत अच्छी जगह है, डू विजिट। गाइज अभी स्विमिंग पूल में नहाए थे, और मैंने गलती से देखा नहीं कि स्लोमो मोड है, और मैं सिनेमैटिक शॉट्स में ही बोलता रहा, बट इट्स ओके, कुछ नहीं था। हम स्विमिंग पूल में नहाए, थोड़ा सा जितना भी बॉडी में जो भी बीच में रेत वेत लगी थी वो सब धुल गई। अभी हम लोगों ने हम जो पैक्ड फूड ला रखे थे, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो जो हम पैक्ड फूड ला रखे थे उसमें कढ़ी चावल खाए, थैंक्स टू हल्दीराम, बहुत ही अमेजिंग कढ़ी चावल थे, और मज़ा आ गया खा के, क्योंकि मन कर रहा था, कल रात से हम लोग चले गए और मन कर रहा था कुछ खाने का पर पेट नहीं भरा, तो अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं। और जो मैंने आपको बर्गर बताया था वो वेगन बर्गर जो यहाँ पे देते हैं प्लांट बेस्ड, वो ट्राई करते हैं, और आपको स्ट्रीट दिखाता हूँ कि स्ट्रीट कैसी है यहाँ पे। छोटी सी एक स्ट्रीट है खाने की, देखते हैं उसमें क्या क्या मिलता है। ऑलमोस्ट नॉन वेज ही मिलेगा, बट स्टिल एक्सप्लोर करने में क्या क्या हर्ज है। तो दोस्तों स्विमिंग पूल में नहा के बहुत मज़ा आया, कि स्विमिंग पूल का पानी गर्म था और बहुत ही रिलैक्सिंग था वहाँ पे नहाना। अभी हम स्ट्रीट तक पहुँच गए हैं, ये वो स्ट्रीट है जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ पे सब कुछ पीने का है, और मुझे ऐसा कुछ खाने का लग नहीं रहा है यहाँ पे। ज़्यादातर ड्रिंक्स वगैरह हैं, ड्रिंक्स वगैरह ले सकते हो, और साथ में साइड बाई साइड आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट भी चलते हैं, टैटू वैटू किसी को बनाना हो तो ये सब है, और मोस्टली यहाँ पे ड्रिंक्स का ही दिख रहा है मुझे। तो गाइस कुछ ज़्यादा खास नहीं है यहाँ पे, बस ड्रिंक्स वगैरह हैं, कैफ़े वगैरह खुले हुए हैं और ड्रिंक्स वगैरह चल रही है, बस यही सब है, और ज़्यादा कुछ खास मुझे लगा नहीं कि आप देख सकते हैं बार है इनका, और एक स्ट्रीट टाइप की बना रखी है जिसमें कि काफ़ी कैफे इस टाइप के खोल रखे हैं, और बस यहाँ पे लोग आ रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं बस, और खा क्या रहे हैं, वही नॉनवेज जो ये लोग खाते हैं वही सब लोग खा रहे हैं, जो भी स्टीक्स वगैरह ये लोग खाते हैं वही सब चल रहा है। तो अभी मैं जाता हूँ 7-Eleven में, मुझे ऐसा कुछ खाने का मिला नहीं गाइस, लोग सही बोल रहे थे
जो यहाँ पे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स भी हैं वो भी बहुत ही बेकार हैं। मैं अभी जाके देखा बर्गर, उसमें भी वो कुछ सॉस ऐड करते हैं जो कि श्रिम्प से बनता है, तो कि वो खाना तो मैं नहीं खा पाऊँगा, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ एक्सप्लोर कर रहा हूँ, नहीं तो 7-Eleven से कुछ लेके आई विल गेट बैक टू माई होटल। दोस्तों मैं बहुत थक गया हूँ आज, वैसे भी हमने पूरे दिन ट्रैवल करा, बस हम आधे दिन ही था हमारे पास यहाँ फुकेट में, और सच में आधे दिन भी हमने बहुत इन्जॉय करा। कल हम लोग जाएंगे स्पीड बोट के थ्रू सारे जितने भी आइलैंड हैं वो विज़िट करेंगे, मैं आपको कल अपडेटेड रखूँगा। ब्लॉग को भी एंड कर रहा हूँ, मैं खुद बहुत थक गया हूँ और ज़्यादा आज कुछ खास देखने का था नहीं, बट इन्जॉय हमने बहुत करा टू बी फ्रैंक। बीच बीच में हम लोग नहाए और काफ़ी मज़ा आया, मतलब इट वॉज़ वर्थ इट। और अभी मैं कुछ सामान लेके बस सीधा घर जाऊँगा, सॉरी होटल जाऊँगा, और होटल जाके कल दिखाता हूँ आपको क्या क्या मज़े करें। तो उससे आते आते मैंने सोचा कि 7-Eleven से तो ले लूँ, 7-Eleven यहाँ का 24/7 जैसे इंडिया में रहता है वैसे ही है, और यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी की चीज़ें मिलती हैं। बस दिक्कत ये है कि यहाँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में मेरे को मतलब किस चीज़ में एग है और किस में नहीं है, किस चीज़ में नॉन वेज है, तो ये थोड़ा खाने की बहुत दिक्कत है। बट ठीक है, अगर आप पहले से कुछ अपना लेके आते हैं या कुछ, जैसे मैं हल्दीराम से थोड़ा बहुत कुछ लेके आया हूँ, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी यहाँ पे सब बढ़िया है और मस्त है। तो 7-Eleven से मैंने ब्रेड वगैरह ये सब उठा लिया है और अब मैं जा रहा हूँ सोने, क्योंकि बहुत थक चुका हूँ। बाय।